एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और यहाँ है हमारे साथ में R1M, एक सुपर सेगमेंट की, सुपर यामाहा की सुपर बाइक, जो कि है 1000 cc की। भाई साहब ये जो बाइक है ना, देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा औसम लग रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलेगा, एक छोटा सा ओवर रिव्यू करेंगे, ओवर रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं इसके फ्रंट के लुक की। फ्रंट का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बल्की एंड काफ़ी ज़्यादा हैवियर निकल के आता है। बाकी यहाँ देखोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर इंडिकेटर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिकेटर जो है आपको LED सेटअप के साथ इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ में ये लाइट देखने मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा यूनिक निकल के आती है। सस्पेंशन आपको USD फोक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे अपसाइड डाउन। बाकी यहाँ फ्रंट में जो टायर है ना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज टायर देखने के लिए मिल जाता है। ऑलमोस्ट 120 सेक्शन का आपको रियर टायर, फ्रंट टायर देखने मिलेगा। दोनों ही तरफ आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाएंगे, दोनों ही तरफ आपको काफ़ी बड़े 320 के अराउंड साइज़ के डिस्क देखने मिलेंगे, विद ABS आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सस्पेंशन आपको एडजस्टेबल देखने मिलेंगे, और यहाँ लुक जो है साइड का काफ़ी ज़्यादा यूनिक निकल के आएगा। R1M की बैचिंग होगी, और यहाँ देखोगे ये सिरेमिक में, ये कार्बन में, ये क्वालिटी वगैरह आती है काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आप इसका जो फ्रंट का मडगार्ड है वो कार्बन में देखने मिलता है, कार्बन फ्रेम में काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बाकी अगर बात करूँ इसके इंजन की, 998 cc का आपको 4-सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रोड्यूस करेगा 200 PS की पावर, 113 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी भयंकर और काफ़ी ज़्यादा बवाल टॉर्क BHP पावर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट आता है। अभी बात करिए इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट इसमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये जो इंजन है ये आपको लिक्विड कूल्ड, बाकी ये जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंड ह्यूज इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अभी मैं बात करूँ इसकी सीट हाइट की, तो ऑलमोस्ट 860 mm इसकी सीट हाइट देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 860, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ कंफर्म है नहीं। बाकी ये जो बाइक है प्रॉपर नेकेड सेगमेंट की बाइक है, बाकी ये जो बाइक है प्रॉपर सुपर बाइक है, जो कि सुपर पेयरिंग सेगमेंट में आती है। यहाँ देखोगे काफ़ी बढ़िया यहाँ कंफर्ट निकल के आता है। अभी मैं बात करूँ रेयर लुक की, तो रेयर में आपको जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन देखने मिलेगा, मोनोशॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। बाकी एग्जॉस्ट देखोगे, एग्जॉस्ट साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक एग्जॉस्ट साइज़ देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और टायर साइज़ की अगर बात करी जाए, तो रेयर का टायर आपको 200 यानी कि 200 सेक्शन का टायर देर का देखने को मिल जाता है, 200 काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। रेयर में भी आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ देखोगे बेल्ट ड्राइव यहाँ देखने को मिलेगी, रेयर टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और टेल लाइट जो है ना, टेल लाइट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी निकल के आती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेड लाइट निकल के आती है। और यहाँ देखोगे यहाँ ये जो कोटिंग है ये सिरेमिक में है, काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लगती है। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको टर्न इंडिकेटर्स LED में देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर निकल के आ जाता है। बाकी अभी बात कर लेते हैं इसकी, अभी बात कर लेते हैं भारतीय बाज़ार को लेकर इस बाइक की क्या है। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि बाइक लॉन्च होगी या नहीं होगी, बट अगर आप सुपर बाइक लवर हैं या फिर फेयरिंग बाइक लवर हैं, तो आप इस बाइक को इंपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब कि बाहर देश से मंगवा सकते हैं। आप अगर इस बाइक को चलाना चाहते हैं तो भारतीय बाज़ार में आपको जो मंगानी पड़ेगी वो बाहर से ही मंगानी पड़ेगी, बुक करवा के आपको भारतीय बाज़ार में डीलरशिप पर ये बाइक नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा, बाकी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।